नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे चैनल शाइनिंग भारत पर। देखिए, आज हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनके भावपूर्ण हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कर रहे हैं, और वह आज उनका शाम अंत्येष्टि में उनका अंत्येष्टि में विलीन हो गए, परमात्मा के दिया गया। उनके तले हम देखते हैं उनके टॉप 20 इमेज देखते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के। चलिए देखते हैं क्या है पहला इमेज। ये देखिए, पहला इमेज है इनके द्वारा, ये मनाली में एक छुट्टी। हम प्रधानमंत्री हमेशा हमारे अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री हमेशा गर्मियों की छुट्टी मनाने मनाली में जाते थे। आपका मनाली आपके वहाँ उत्तराखंड में जाते थे हर हमेशा गर्मियों में। यहाँ पर देखो अपने दो पालतू कुत्तों के साथ ही ये देखना, ग्रीष्मकालीन में हमेशा गर्मियों की छुट्टी में वहाँ पर जाते उत्तराखंड में। देखिए उनके दो पालतू, ये जिन्होंने जो कुत्ते को पाला, बेबी कुत्ते को पाला है। देखिए और नेक्स्ट देखते हैं, ये देखें यशवंत सिन्हा जी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव प्रचार के समय कार्यकर्ताओं के हुजूम। देखो पूरे भीड़ उमड़ा हुआ है, मानो एक तरफ हुजूम सैलाब मर पड़ा जनता का, उनका लोगों को उनके प्रति लोगों का प्यार देखिए। यशवंत सिन्हा दोनों लोग उनको राजशाही गद्दी पर बैठा कर मानो यात्रा निकला उनके सरकार में। और अगला देखते हैं, सेकंड थर्ड नंबर देखते हैं, ये देखिए कविता पाठ करते हुए। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी देख किसी सम्मेलन में कविता पाठ करते हुए, और देखो सामने देखिए फ्लड लाइट में रात के समय अंधेरे, देखिए लगभग 2 से 2.5 लाख यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, और गणमान लोग बैठे लोग कविता का पाठ कर रहे हैं। अगला इमेज देखते हैं, ये देखिए इनको शपथ दिलाया जा रहा है प्रधानमंत्री का शपथ दिलाया जा रहा है। मैं भारत का प्रधानमंत्री, भारत की एकता मैं एकता की अखंडता के संबंध रखने का पाठ बांधने का शपथ लेने ले रहे हैं। अगला संबंध देखते हैं, थर्ड नंबर, ये देखिए दुबई के किसी महाराज से मिलने के लिए बाद में वहाँ के कल्चर के अनुसार यहाँ पर सर पर पागोस मतलब सर पर पागोस बांध लिए हैं, एक तरह से खलीफा की तरह वेशभूषा में नज़र आ रहे हैं। और देखिए कितने स्मार्ट लाइक लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला में देखिए कविता, देखो उनको कभी प्रधानमंत्री के का समय के कभी कभी उनको समय मिलता है तो खाली समय में कविता पाठ करते थे और कविता भी लिखते भी थे। देखो बहुत गहन विचार मुद्रा में है, देखो चश्मे हाथ में लेके सोच में पड़े हैं कि देश के आर्थिक हालात कैसे, उसको किस प्रकार उमेड़ा सुधारा जाए और कैसे किस प्रकार प्रगति की राह पर चला जाए। देखो मतलब ये अभी तक बुजुर्ग इस उम्र में भी पढ़ाई के समय निकाल पढ़ाई करते रहते थे। शिक्षा ही एक अनिवार्य मानवता की पूंजी है और मानव एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा अरस्तु जी ने कहा था। और इन्होंने कहा था यदि सेकुलरिज्म रहेगा तभी भारत को भारत कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं, इसमें देखिए मिलते हुए प्रधानमंत्री जयललिता से उनको गिफ्ट भेंट करते हुए तमिलनाडु को, देखो गिफ्ट भेंट करते हुए नई दिल्ली में और किसी सम्मेलन में। ये देखिए देखिए पहली बार जब भारत पाकिस्तान का संबंध सुधारने में अटल जी का सबसे अहम योगदान रहा था। इन्होंने अपने उस समय जाते समय अटल बिहारी वाजपेयी, शत्रुघ्न सिन्हा, कपिल देव को अपने साथ ले गए थे, और खास साथ मशहूर फिल्म अभिनेता देवानंद को भी अपने साथ ले गए थे। तो उस समय देखो बाघा बॉर्डर पर अटारी सीमा पर बस सेवा शुरू किया था, उस समय पहली बार गए थे भारत। उस समय पाकिस्तान का प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ जी थे, तो वहाँ पर बहुत प्यार मिला, बहुत लोगों को अच्छे शानदार स्वागत किया गया और मित्रता। 1889 के बाद भारत ने किसी भी वनडे सीरीज नहीं खेला था, ना ही मैच खेले थे। भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत ही मतभेद हो गए थे, बहुत ही खराब स्थिति में चले गए थे। अगला इमेज देखिए, ये इमेज है अटल बिहारी जी अपने चुनाव प्रचार के दौरान का है। अगला देखिए, ये देखिए पोखरण के समय का 13 मई का जो पोखरण 1998 में किया था, भारत को एक परमाणु परीक्षण वाला देश बना लिए थे, परमाणु शक्ति वाला। तो उसमें देखिए इनके राइट साइड में देखिए, प्रधानमंत्री के राइट साइड में देखिए आपके कौन है, प्रधानमंत्री सलाहकार वैज्ञानिक सलाहकार आपके APJ अब्दुल कलाम जी हैं। उस समय पोखरण की बात का है तो भारत ने उसके बाद अमेरिका ने भारत पर सेक्शनल लगा दिया था, बैन कर दिया था इंडिया को, लेकिन उन्होंने कहा था, इन्होंने हाथ पीछे नहीं खींचा।
ये देखिए चुनाव प्रचार के समय अटल जी के साथ उनकी पार्टी के सभी लोग हैं। अगला देखिए ये देखिए राजस्थान के हैं, जैसलमेर में हाजी शरीफ दरगाह में गए हैं, तो वहाँ पर देखिए उनका शानदार भव्य स्वागत किया गया है और इन्होंने भी बड़े बहुत सादगी के साथ सम्मान को स्वीकार किया और चादर चढ़ाया अजमेर शरीफ देव शरीफ अजमेर में हाजी अली दरगाह में। अगला देखिए ये भी देखिए वहाँ पर भी देखो बहुत सादगी के साथ देखो अच्छे लग रहे हैं और हर धर्म को समान धर्म को समाजवाद को लेकर चलने वाले नेता थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और देखिए शिमला में छुट्टियों के दिन में बच्चों के साथ अपने इन्होंने दो बच्चों को गोद भी लिया था, उसमें छुट्टियों के दिन में अपने बच्चों को घोड़सवारी की इनको बहुत ही शौक था अपने उस समय था। देखिए यहाँ पर देखो हिमाचल प्रदेश में इनको उनको हिमाचल प्रदेश का अपना अलग वेशभूषा देखो वहाँ पर इनका अलग स्वागत करते हुए वहाँ पर पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्मेलन में पार्टी भाग लेते समय देखो इनको वहाँ गए। अगला देखो इमेज है देखो ये राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान इनको तलवार भेंट की जा रही सम्मान उनको साल भेंट किया जाए साथ ही तलवार भेंट करके चुनाव का आगाज करते हुए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। यहाँ पर देखो रक्षाबंधन पर सभी बच्चियाँ इनको अपने भाई के स्वरूप मानते हुए इनको रक्षाबंधन पर अपना रक्षा कवच बांधते हुए और प्रधानमंत्री इनको अपना आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं कि हम आपके जीवन के अंतिम क्षण तक देश की सेवा करते रहेंगे और देश की इज्जत पर हाथ आँच नहीं आने देंगे। देखिए छोटे छोटे नन्ही बच्चियाँ हैं। नेक्स्ट में देखते हैं ममता बनर्जी के समय देखो पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी नाराज हो गई तो वहाँ पर जाकर एक भाषण किया था ममता बनर्जी को मनाया, उसमें देखिए कितनी ममता बनर्जी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी और सभी पार्टी अटल जी ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री थे सभी गठबंधन की सरकार बनाया और सबको एक साथ लेकर चलने वाले थे। उनके समय में हर कोई अपने आप को प्रधानमंत्री समझता था, मतलब सबको एक भाव नजर के देखते थे। और देखिए अटल बिहारी वाजपेयी अपने सपाती मित्र की लड़की को दो लड़कियों को गोद लिया था, जिन लड़कियां देखो उन छोटे छोटे थे आज जिन्होंने अटल जी के देहावसान पर उनके उनके चिता को अग्नि दिया मुखाग्नि दी थी। देखिए अटल जी किसी पुरातत्व एरिया में जाते हुए उसके देख निरीक्षण करते हुए। अगला में देखिए प्रधानमंत्री चुनाव को किसी पार्टी भाग लेते हैं हेलीकॉप्टर से सवार होकर पार्टी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हाथ ऊपर उठाकर पार्टी कार्यकर्ताओं का स्वागत का अभिनंदन करते हुए। ये थे टॉप 20-21 इमेजेस था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जो कि अपने आप में एक अद्भुत है। ये महान लेजेंडरी थे, उनको 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उनका एक ही नारा था कि सपना उन्हें आदर्श वसूलियों के साथ समझौता नहीं करना है और अच्छे लोगों को साथ लेके चलना है। उनका यही है कि लोगों के साथ अपने व्यवहार को अपने लहजा में रुमानी लाना है, प्रेम लाना है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।